फ्रेंड्स, दिस इज आशीष एंड यू आर वॉचिंग टीवी कंपनी। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ टीवी के बारे में, जो है शाओमी का टीवी और इसका नाम है मी टीवी 4X। और ये आता है 65 इंच के साथ और इसकी जो प्राइसिंग है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल की है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, मैं बताता हूँ कैसा है ये टीवी और क्या है इसके स्पेसिफिकेशन। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और ये काफी कमाल का टीवी है। तो फ्रेंड्स, मी टीवी 4X 65 इंच का टीवी है और काफी कमाल का टीवी है। और ये एक एंड्रॉइड टीवी है जो काफी कमाल के फीचर्स लेके आता है। तो शुरुआत करता हूँ मैं इसके डिजाइन से। तो आपको एक स्लिक डिजाइन मिल जाता है एक स्लिम बॉडी के साथ और काफी अट्रैक्टिव दिखता है। और अगर तो बात करूं इसके प्रोसेसर की, तो आपको इसमें GPU देखने को मिल जाता है एमलॉजिक कॉर्टेक्स A55 का एक क्वाड कोर सेटअप। और इसमें आपको GPU देखने को मिल जाता है माली का 470, जो काफ़ी कमाल का GPU है और काफ़ी स्मूथ रन करेगा इस एंड्रॉयड टीवी में। और इसमें आपको OS देखने में मिल जाता है पैचवॉल का, जो रन करता है एंड्रॉयड 9 पाई के साथ। कई सारे फोन्स में अभी तक आपको 9 पाई का अपडेट ना मिला हो, लेकिन इसमें आपको 9 पाई मिल जाता है। और इसमें आपको 10 भी देखने को मिलेगा एंड्रॉयड 10 जब आएगा। और बात करूं इसके स्टोरेज की, तो आपको इसमें 2GB रैम 16GB स्टोरेज देखने को मिल जाता है, जो एक टीवी के हिसाब से काफ़ी सही है और बेटर है। काफ़ी अच्छी बात है कि इसमें आपको काफ़ी अच्छा रैम देखने को मिल जाता है। और मैं बात करूं इसके ऑडियो की, तो इसमें आपको 20W का आउटपुट देखने को मिल जाता है और ये आता है ड्यूल स्पीकर के साथ 10-10W के, दोनों मिला के आपको 20W का आउटपुट देखने को मिल जाता है। और इसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको देखने को मिल जाता है डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट। मीन्स आपका जो वॉचिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा होगा इस ऑडियो क्लियरेंस के साथ। और अब हम बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी की, तो इसमें आपको ब्लूटूथ 5 का सपोर्ट देखने मिल जाता है, वाईफाई 5GHz पे रन करता है, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। और इसमें आपको क्रोमकास्ट इनेबल्ड मिल जाता है, मीन्स आप इसमें अपने फ़ोन को भी कनेक्ट कर सकते हैं काफ़ी आसानी से और अपने फ़ोन के कंटेंट उसमें देख सकते हैं। और अब हम बात करते हैं इसके रिमोट की, जो भी तो बात करूँ इसके रिमोट की, तो इसका रिमोट भी एक कूल फैक्टर है। मीन्स ये आता है 14 बटन के साथ ही, 14 बटन्स के साथ। और इसमें आपको ब्लूटूथ रिमोट है, तो इसमें आपको एक गूगल असिस्टेंट का बटन देखने में मिल जाता है। मीन्स आप अपने वॉइस से भी कंट्रोल कर सकते हैं अपने टीवी को और उसे गाइड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको इसमें अमेजोन प्राइम वीडियो और नेटफ्लिक्स का डेडिकेटेड बटन देखने में मिलता है, जो एक कमाल की बात है। मीन्स आप अपने फेवरेट कंटेंट्स डायरेक्टली एक टैप में ओपन कर सकते हैं और बाकी सब आपके नेविगेशन ओके बटन और वॉल्यूम अप एंड डाउन के बटन्स है। और अब हम बात करते हैं इसके OS की, तो इसका OS भी एक कूल फैक्टर है, जो है पैचवॉल। और इसमें आप 7 लाख से ज़्यादा कंटेंट एंजॉय कर सकते हैं और ये रन करता है 9 पाई पे, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। और इसमें आपको गूगल प्ले का भी ऑप्शन मिल जाता है, मीन्स आपको इसमें सारे गूगल के ऐप्स इंस्टॉल्ड मिल जाएंगे और आपको इसमें 1 ईयर तक का सारी मेंबरशिप्स देखने को मिल जाएंगे। मीन्स अमेजोन प्राइम वीडियोस, प्राइम वीडियो, नेटफ्लिक्स, Z5, हॉटस्टार प्राइम और भी सारी जितने भी आपको पेड मेंबरशिप फ्री मिल जाएगा 1 साल के लिए। और अब बात करूँ इसके डिस्प्ले की, तो ये आता है 4K डिस्प्ले के साथ, जो एक काफ़ी कमाल की बात है इस प्राइस पॉइंट में। और MI से हम यही भरोसा रखते हैं, तभी ये नंबर 1 है। और लेकिन एक बात है कि इसका डिस्प्ले 4K होने के साथ ये एक IPS स्क्रीन है और आता है 60Hz के साथ, 90Hz से या 120Hz होता तो काफ़ी अच्छी बात होती। और अब OnePlus का भी TV आने वाला है, तो इसके साथ काफ़ी तगड़ा कंपटीशन आप लोगों को इसको में देखने को मिलेगा। तो
मैं बात करूँ इसके प्राइसिंग की, तो इसका प्राइस एक काफी कूल फैक्टर है। तो इसकी प्राइसिंग है 54,999 की, मीन्स ये आता है 55,000 के अंडर। और इस प्राइस रेंज में ये काफ़ी कमाल का टीवी हो सकता है, अगर वन प्लस का टीवी इससे महंगा आया। और वन प्लस का टीवी वैसे भी 55 इंच का आएगा, उसका भी एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाला है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपको उसके लिए इंटरेस्टेड है तो। और इसका कंपटीशन सिर्फ दो कंपनी के साथ है, मीन्स अगर आप ऐसे सोशल मीडिया में देखें तो, जो है एक है मोटो का टीवी जिसका भी एक वीडियो आएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, इसीलिए पहले से बोल रहा हूँ। और बस इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी और वीडियोस के लिए ज्वाइन रहिए और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे भी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।